गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो होगी MiG-21 के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो MiG-21 फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के पास। जो आपकी आज की जो क्लास होगी ये आपकी रिलेटेड है आपका इससे, आपका जो साइंस एंड टेक में डिफेंस वाला पार्ट है ना आता है उससे रिलेटेड है। और उसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे आपका CDS हो गया या NDA हो गया या फिर असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम आता है, उसमें इस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो MiG-21 के बारे में है। तो देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। टू पायलट्स हैव बिन किल्ड व्हेन MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली ये पूछा जा सकता है आपको कि रिसेंटली जो है जो MiG-21 जो क्रैश हुआ था वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में क्रैश हुआ था। द डेब्रिस ऑफ एयरक्राफ्ट वॉज फाउंड स्कैटर्ड इन हाफ किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ भीमडा विलेज। इस बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में एक भीमडा विलेज पड़ता है, तो जो उसका जो मलबा है वो वहाँ तक जो है पाया गया, भीमडा विलेज तक। टू फायर ब्रिगेड्स ऑफ क्रेन वेदांता। क्रेन वेदांता क्या है, ये कंपनी है, उसके लिए ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है ये कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो दो फायर ब्रिगेड्स हैं इनको भेजनी पड़ी ताकि जो है जो फायर है वहाँ पे एयरक्राफ्ट की वजह से जो कॉज हो गई थी उसको कंट्रोल किया जा सके। ये आप देख सकते हो राजस्थान का मैप है, ये आपका जैसलमेर है और इसके नीचे ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में जो है जो MiG-21 है वो क्रैश हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। MiG-21 एयरक्राफ्ट वॉज इन्वॉल्व इन सॉटी। सॉटी का मतलब होता है कि ये गश्त कर रहा था। गश्त करने का मतलब होता है कि जैसे आप देखते हो ना कि आपके एरिया के आसपास पुलिस की जो वैन है वो घूमती रहती है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो MiG-21 एयरक्राफ्ट है ये भी गश्त कर रहा था। ओवर द बायतू रीजन वेन क्रैश हैपन्ड। द एग्जैक्ट रीजन ऑफ क्रैश इज नॉट नोन येट। अभी तक जो है उसका रीजन नहीं पता चला है। और इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किया है कि एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर किया है उन्होंने कि जो कॉज है एक्सीडेंट का उसके बारे में पता लगाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं MiG-21 के बारे में। MiG-21 विच इज अ सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट ऑफ सोवियत एरा। इसको जो है सोवियत एरा का ये जो एयरक्राफ्ट है और इसको हमने ऑप्टेन किया था रशिया से। वॉज अपग्रेडेड इन 2006। 2006 में इसको अपग्रेड किया गया और उसके बाद इसका जो नाम है MiG-21 बाइजन रख दिया गया। ये जो हमने अक्वायर किया था 1960s में अक्वायर किया था रशिया से। नेक्स्ट देखते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये किन का है, ठीक है, ये है रशिया का, ठीक है, और जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है उसका नाम है बाइजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं MiG-21 के बारे में। वंस ऑपरेटेड इन अ ह्यूज नंबर एज द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, फोर स्क्वाड्रन्स ऑफ द टाइप रिमेन। ठीक है, फोर स्क्वाड्रन्स का मतलब है एक स्क्वाड्रन में 16 जो है आपके एयरक्राफ्ट होते हैं और उसके साथ जो है आपके दो ट्रेनर्स होते हैं, दो ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि सारे टू सीटर्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल एक स्क्वाड्रन में 18 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, तो टोटल चार स्क्वाड्रन्स हैं, तो मतलब 18 × 4 कर लो तो उतने जो है MiG-21 जो एयरक्राफ्ट हैं जो पुराने वाले हैं वो बचे हैं हमारे पास। अपग्रेडेड एंड अनकीप हैव केप्ट द जेट्स नॉट जस्ट फिट फॉर फ्लाइट बट इफेक्टिव इन कॉम्बैट टू। इट वॉज MiG-21 बाइजन दैट वेंट हेड टू हेड विद इनबाउंड पाकिस्तान एयरफोर्स जेट इन द पोस्ट बालाकोट एयर स्कर्मिश ओवर द लाइन ऑफ कंट्रोल। जब पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट है जब वो इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गया था, तब जो था MiG-21 बाइजन ही था जिसने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट सोवियत ओरिजिन प्लेन हैज क्रैश्ड सिंस 1963। 1963 में हमने इसको एक्वायर किया था। कितने जो हमने इंडक्ट किए थे MiG-21 हमने किए थे 872 MiG-21 हमने इंक्लूड किए थे अपने एयरफोर्स में। ओवर द पास्ट 51 ईयर्स ओवर 400 MiG-21 हैव क्रैश, मतलब ऑलमोस्ट जो है 50% जो है MiG-21 जो है वो क्रैश हो गए हैं और उस जिस वजह से जो 200 पायलट्स हैं उनकी जान जा चुकी है और 50 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। स्पेट ऑफ क्रैशेस मैनी ऑफ देम फेटल हैज एम्पलीफाइड द
अर्ज टू सी द बैक्स ऑफ दीज एजिंग जेट्स एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो जेट्स हैं ये काफी पुराने हैं, ठीक है, तो उस वजह से क्या है कि हमें जो है न्यू जेट्स की ओर मूव ऑन करना चाहिए। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो 2006 में जो वर्जन आया था उसको उसका नाम रखा था इन्होंने बाइजन, तो अब जो है बाइजन को भी जो रिप्लेस करने की बात की जा रही है कि बाइजन को है उसको कब तक रिप्लेस किया जाएगा, तो उसके क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव में हमने जो है एक इंडिजीनियस तेजस जेट्स लेके आए हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स विल सून हैव इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन इंडिजीनियस तेजस जेट्स। स्क्वाड्रन मैंने बताया कि टोटल 18 जो है उसमें एयरक्राफ्ट्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, विद इंडियन एयरफोर्स साइनिंग अप टू ओवर 100 मोर तेजस जेट्स, मोस्ट ऑफ देम आर इम्प्रूव्ड वेराइटी। द इंडियन एयरफोर्स लीडरशिप कुड थ्योरेटिकली बी इन पोजिशन टू हेस्टन द रिटायरमेंट ऑफ MiG-21 फाइटर्स, ठीक है। जैसे ही ये जो तेजस जो है जेट्स जो है इनका जो है ऑर्डर जो है कंप्लीट हो जाएगा, 100 100 तेजस का जो ऑर्डर जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो जो MiG-21 है उसको जो है रिटायर करने के लिए इनके पास भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, इंडियन एयरफोर्स के पास। द चैलेंज ऑफ स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ एंड डिप्लीटिंग नंबर्स हाउएवर मेक एनी ड्रास्टिक मूव्स अनलाइकली एंड डिफिकल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं बाइजन के अलावा इनके पास इंडियन एयरफोर्स के पास जो 12 स्क्वाड्रन्स हैं वो हैं Sukhoi-30 की, Sukhoi-30 MKI, ठीक है। ये जो Sukhoi-30 है ये भी हमने रशिया से ही लिया है। Sukhoi-30 MKI एयरक्राफ्ट इज सुपीरियर टू MiG-21 इन ऑल द एस्पेक्ट्स, वेपन पेलोड, फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी एंड मिशन कैपेबिलिटीज, ये हर तरीके से ही, ये क्योंकि नया वर्जन है ना Sukhoi-30, तो ये हर तरीके से ये जो है MiG-21 है उससे बेहतर है। Sukhoi-30 MKI एयरक्राफ्ट कैन कैरी 8.5 टन वेपन पेलोड, ये कितना कैरी कर सकता है पेलोड 8.5 टन, और जो है MiG-21 बाइजन है ये कितना कैरी कर सकता है 2 टन, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है ये 4 गुना ज्यादा कैरी करता है आपका सुखोई। देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ फायर पावर और वेपन पेलोड अलोन Sukhoi-30 MKI इज गुड एज 4 MiG-21 एयरक्राफ्ट, ठीक है, एक अकेला सुखोई जो है 4 MiG-21 के बराबर है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वाड्रन्स के बारे में, जो इंडियन एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन्स हैं, इंडियन एयरफोर्स है 33 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स, ठीक है, जो टोटल हमारे पास स्क्वाड्रन्स हैं वो 33 स्क्वाड्रन्स हैं। ईच स्क्वाड्रन हैज 16 एयरक्राफ्ट प्लस 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये मैंने आपको बताया कि हर एक स्क्वाड्रन में 16 एयरक्राफ्ट होते हैं और जो 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं, तो टोटल 18 एयरक्राफ्ट होते हैं विच आर 2 सीटर्स। दिस अमाउंट इज ओवर, जो टोटल अमाउंट बनती है ओवर 500 फाइटर एयरक्राफ्ट बनती है, लेकिन जो है इंडियन एयरक्राफ्ट जो है वो सेंशन करती है कि स्ट्रेंथ हमारे पास जितनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 42 स्क्वाड्रन्स की, अगर हमारे पास हमारी जो जंग जो है वो लग जाती है पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ एक साथ अगर जो हमारी जंग जो है वो शुरू हो जाती है, तो उस जंग को जीतने के लिए हमारे पास टोटल 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स होने चाहिए। अब देखते हैं ये नंबर कहाँ से आया, 42 स्क्वाड्रन ही क्यों। द इंडस्ट्री आइकन एंड इंडियन एविएशन पाइनियर JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा जो थे इनको 2 स्टार जनरल का रैंक दिया गया था और IAF रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, और इनको एक कमेटी का हेड बनाया गया था 1960 में। उस कमेटी ने स्टडी किया और उस कमेटी ने पाया कि हमें रिकमेंडेशंस दी उस कमेटी ने कि जो गवर्नमेंट है उसके पास जो है फोर्स लेवल होना चाहिए 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स का, अगर उसको जो है फाइट करनी है, मतलब अगर उसके उसकी जो है जंग कंटिन्यूअसली शुरू हो जाती है तीनों तरफ से, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है, उस टाइम पे इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था जिस टाइम पे इनको एयर मार्शल बनाया गया था, 1960s की बात है, और चाइना, अगर इन तीनों के साथ जो है हमारी जंग शुरू हो जाती है तो हमें क्या चाहिए 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स चाहिए, तो इस यहीं से जो है आपका ये जो नंबर आया था 42 स्क्वाड्रन्स। और जिस टाइम पे ये जो बनाई गई थी आपकी ये कमेटी बनाई गई थी उस टाइम पे हमारे पास हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर टू जो विंटेज थे यूएस के द्वारा बनाए हुए लिबरेटर बॉम्बर्स, ठीक है, ये हुआ करते थे, अमंग अदर्स द MiG-21 द वर्क हाउस ऑफ द फाइटर फ्लीट वॉज येट टू ज्वाइन सर्विसेज, अभी जो है MiG-21 हमने खरीदा नहीं था, इसी इसी जो रिकमेंडेशन थी इसी के बाद जो है हमने ये जो MiG-21 से इनको खरीदना शुरू किया। सब्सिक्वेंटली द मेन स्टे ऑफ इंडियन एयरफोर्स 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वॉज सोवियत
वॉज द सोवियत एरा मिग 21 एयरक्राफ्ट एंड इट्स वेरियंट विद डिफरेंट वेपन वेपन पेलोड्स और आर्मामेंट्स कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं, दीज एयरक्राफ्ट वर यूज फॉर एयर डिफेंस एज वेल एज स्ट्राइक एंड एयर टू ग्राउंड मिशंस। ठीक है, एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए इनको यूज किया जाने लगा, और जो है एयर डिफेंस के लिए भी यूज किया जाने लगा, और स्ट्राइक्स के लिए भी यूज किया जाने लगा। नाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव बीन रिटायर्ड, ऑलमोस्ट जो है सभी जो है उनको रिटायर कर दिया गया, एक्सेप्ट थ्री मॉडिफाइड मिग 21 BS बाइजन स्क्वाडन। ठीक है, सिर्फ जो है तीन जो मिग 21 के जो बाइजन के जो मॉडिफाइड बाइजन के जो स्क्वाडन हैं बस वो बचे हुए हैं। दीज एयरक्राफ्ट टू विल एग्जिट द इंडियन एयरफोर्स ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, थोड़े सालों में, अगले कुछ सालों में इनको भी जो है रिटायर कर दिया जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसके अलावा हम जो है यूपीएससी का जो नया बैच है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो है हमारा क्रैश कोर्स जो है एडीए का वो चल रहा है। ठीक है, तो किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ ही जो हमारा जो जुडिशरी का बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बारे में भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।